वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आपां ग्रामर का लैसन पढ़ांगे, व्याकरण का। तो व्याकरण बारे ही आपां पढ़ांगे। अज का टॉपिक अपना व्याकरण। व्याकरण की हुंदा है ते इस दे किन्ने जिहड़े अंग हुंदे हन इन्हां बारे आपां पढ़ांगे। सब तो पहलां तां वी भाषा दे कई अंग हुंदे ने, जिवें धुनियां, शब्द, अर्थ अते वाक। भाषा दे वख वख अंग ने धुनिया, शब्द, अर्थ अते वाक। इन्हां अंगां पिछे कई नियम काम करदे हन। इन्हां नियमां दे समूह जां इकट्ठ नूं व्याकरण कहा जांदा है। इन्हां नियमां दे समूह जां इकट्ठ नूं व्याकरण कहा जांदा है। जे आपां सधारण शब्दों के देखिए तो व्याकरण तो की भाव हैगा, किसी बोली नू पढ़न लिखण लई बनाए गए नियमां दे इकट्ठ नू व्याकरण कहा जाता है। किसी भी बोली नू पढ़न दे लई लिखण दे लई जिहड़े भी नियम बनाए जाते हैं, गे रूल्स एंड रेगूलेशन बनाए जाते हैं, उन्हां नू असीं व्याकरण कहिंदे हांगे। तां व्याकरण दा साडे लई ज्ञान क्यों जरूरी हैगा? पहली गल तां सारे जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां लई व्याकरण दा जिहड़ा ज्ञान जरूरी हैगा, उन्हां नूं व्याकरण बारे पता होना चाहीदा हैगा। क्यों पता होना चाहीदा? क्योंकि व्याकरण दी मदद नाल असीं शुद्ध अते म्यारी भाषा सीख सकदे हांगे। जेकर सानूं व्याकरण दी जानकारी होवेगी तां असीं शुद्ध भाषा सीखांगे, ठीक है। क्योंकि व्याकरण एक नियमां दा समूह आ, जिन्ना टाइम सानूं किसी भी भाषा या बोली दे नियमां बारे नहीं पता होगा उन्ना टाइम असीं वह बोली या भाषा नूं चंगी तरह नहीं सीख सकते, शुद्ध रूप दे विच नहीं सीख सकते। एक गल होर आ बेटा, तां जिहड़ा व्याकरण हैगा इहदे एक याद रखण वाली गल आ, किसी एक भाषा दे व्याकरण दे नियमां नूं किसी दूसरी भाषा उत्ते नवीन लागू नहीं किया जा सकता। तो हुण जिहड़े अलग अलग साडियां बोलियां ने, भाषावां ने जां लैंग्वेज ने, तो इन्हां सारियां बोलियां दे जां भाषावां दे जिहड़े व्याकरण दे नियम ने ओह अलग अलग हुंदे ने। जिवें पंजाबी दे व्याकरण दे नियम अलग ने, हिंदी दे अलग ने, ते बाकी जिहड़ी इंग्लिश जां जिहड़ियां वी भाषावां ने उन्हां दे अलग अलग ने। तां व्याकरण दे मुख अंग किहड़े नेगे? व्याकरण दे चार मुख अंग हुंदे नेगे। एक दा हैगा अक्षर या वर्णबोध, नंबर दो शब्द बोध, नंबर तीन वाक बोध, नंबर चार अर्थ बोध। पहला आपां अक्षर बोध बारे पढ़ांगे। अक्षर बोध या वर्णबोध, वर्ण धुनी दा लिखती चिन्ह हुंदा है। वर्ण या अक्षर जिहड़ा उह धुनी दा लिखती चिन्ह हुंदा गा। वर्ण तो भाव है अक्षर अते बोध तो भाव है ज्ञान। वर्ण तो की भाव आ? अक्षर अते बोध तो भाव की आ? ज्ञान। इस तरह जिवें नाम तो स्पष्ट आ, ठीक आ, भी अक्षरां दा ज्ञान, ठीक आ, अक्षरां बारे ज्ञान। ਉਹ ਬੋਧ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਬੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ
अर्थबोध। अर्थबोध तो भाव है अर्थां दे पक्ष तों शब्द की व्याख्या। अर्थबोध तो की भाव आ अर्थां दे पक्ष तों शब्द की व्याख्या। इस विच बहुअर्थ बहुअर्थिक शब्द समानार्थिक शब्द बहुते शब्दों की थां एक शब्द अते विरोधी शब्दों बारे जानकारी दी जाती है। ये जिहड़ा अपना अज का विशा सीगा व्याकरण ये पूरा हो गया। ठीक है तो व्याकरण तो की भाव है तो व्याकरण दीआं किन्नीआं किस्मां हन इन्हां बारे तुहानूं मैं सारा पढ़ा दूंगा।